नमस्कार। नमस्कार। हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना है इसके बारे में यदि बताया जाए तो भ्रष्टाचार इतना है कि समुद्र भर सकता है, इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है श्री डीके चोपड़ा जी ने। इसके लिए डीके चोपड़ा जी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ का निर्माण कर रखा है और जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर ये पूरी शिद्दत के साथ उसको मिटाने का, उसको ख़त्म करने का प्रयास में लगे हुए हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ श्री डीके चोपड़ा जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के। चोपड़ा जी, सबसे पहले तो एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, और इसके साथ ही कृपया ये बताएं कि भी ये महासंघ बनाने का आपके मन में विचार क्यों, कब और कैसे आया? 2013 में मैं रिटायर हुआ था, कस्टम डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट था मैं, उनकी फेडरेशन का इंडिया का प्रेसिडेंट था। ठीक है। तो मुझे पता चला उस टाइम में सो कॉल्ड ईमानदार पार्टी है, केजरीवाल साहब हैं जी, तो मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। 6 महीने उन्होंने कहा दिए आप स्पाइन कैमरा लगाइए और भ्रष्ट लोगों को हमें बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। उनकी 28 सीटें भी आई दिल्ली में। ठीक है। जब वो पावर में आ गए तो मैंने उनको वीडियो भी दी, एक पटवारी नकली पटवारी बन के हमारे ब्लॉक में घूम रहा था, मैंने उसकी वीडियो बना के दी, कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ही पार्टी से निकाल दिया। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार ये पार्टीबाजी के चक्कर में पड़ने दूध क्या है, खुद ही आपने भ्रष्टाचार दूर करना ना, कुछ धंधा तो करना नहीं, कोई पैसे तो कमाने नहीं है, तो आपने आप कर लो, दिक्कत क्या है भाई, आप भी देश के नागरिक हो। तो हमने फिर खुद शुरू कर दिया, जो भी अच्छा आदमी मिलता था उसके साथ चल देते थे, जो वो अच्छी बात करता था वहाँ तक उसके साथ रहते, जब वो कहता नहीं तो नमस्ते भैया चल मैं अपने रस्ते तो अपने रस्ते जी। तो बेसिक्स क्या है ये बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो है वो हमारे खून में बन गया है, और हमको यही पढ़ाया जाता है स्कूल में कॉलेज में कि भाई रिश्वत दो वो पास हो जाओ, रिश्वत दो काम करा लो, ये करो, पर हम एक तरह के रोबोट हो गए हैं देश में, नागरिक नहीं हम रोबोट हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और फिर देश आज़ाद हो गया तो जर जोर जमीन की लड़ाई ख़त्म हो गई, अब जमीन की और जर की लड़ाई रह गई है, जोरू की लड़ाई ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट बराबर दे दिए गए हैं। आप तो आप जोरू के पीछे क्यों पड़े हैं जी? क्योंकि आपको खुजली होती रहती है, आपको शौक है, राजे महाराजों की 200 रानियाँ होती थी, 500 रानियाँ होती थी, तुम्हारी कितनी रानी होनी चाहिए, अमित शाह की कितनी रानी होनी चाहिए बताओ आप? एक ही होनी चाहिए। तो मोदी कितनी होनी चाहिए? मोदी की भी एक होनी चाहिए। फिर तो यही मैं कह रहा हूँ कि रानी कितनी होनी चाहिए, इससे इशू है। आप लड़के एक एक लड़की को छोड़ते तक नहीं हो, रोज आपको फ्रेश माल चाहिए, कहाँ से ला दो आप? तो ये जो है सारा इशू है हमारा, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में शोषण और भ्रष्टाचार जीरो हो जाए, और आने वाले इस कोरोना के टाइम में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार कंपैरेटिवली कम हो गया, चाहे वो कोरोना के डर से कम हो गया है, चाहे जो है वो अपने आप सरकार उनके अकाउंट में पैसे डाल रही है और मुझे नहीं लग रहा कोई उसमें से कमीशन दे रहा है जी। कुछ एरियाज में इस पीरियड में भी भ्रष्टाचार हुआ, जैसे केजरीवाल ने लोगों का जी खाना फ्री बांटेंगे, खाना नहीं बांटा, क्या किया उन्होंने, एक टब में ना खिचड़ी डाल दी, जो लोग वापस जाने वाले थे उनको कहा भाई इस टब जो अंदर आया था उसको कहते थे एक डूना भर के खा ले। जब मैंने उनकी वीडियो बनाई बताई सच्चाई बताई तो फिर खाने की तारीफ प्रयोग होने लगी, 2 दिन प्रयोग सी गई, 3रे दिन उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी गेट में, चोपड़ा को भी मत आने दो। तो बेसिकली जो भ्रष्टाचार है वो ये है कि जो आदमी आवाज़ उठा उसको मारो, खत्म हो गया। आप देखो RTI में कितने हजारों कितने लोग मर गए हैं, कौन मार रहा है? RTI सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, कोई उससे कोर्ट के थोड़ी बन जाएगा, कोर्ट तो लग जाना आपको, पर RTI में इंफॉर्मेशन तूने क्यों मांग ली, तेरे को इसी मरवा देते हैं। तो आप समझें कि इस देश में भ्रष्टाचार दूर करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो सो कॉल्ड मेरे को फ़ोन कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, जैसे देखो ये भंडारी है ना, इसका नाम लिखा नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसको धमका दिया पुलिस वालों ने। अच्छा। पिछली बार मैंने जिसको चीफ गेस्ट बनाया था उसको धमका दिया, उनको धमका देते हैं कि ये आदमी क्रिमिनल है, मेरे को क्रिमिनल बताते हैं, आपने को ऑनेस्ट बताते हैं। ये जो सत्ता में लोग हैं वो ऑनेस्ट हैं, जो पब्लिक में जो उसके खिलाफ बोलता है वो क्रिमिनल है। हाँ, क्रिमिनल मीटिंग कर रहा है, मेरी ये क्राइम की मीटिंग थी, ये जो मंत्री संतरी हैं इनका क्राइम कैसे दूर किया जाए, तो मैं क्रिमिनल हुआ ना,
लेकिन सत्ता किसको बीसी मानती है? उसको मानती है जो उनके कानून को नहीं मानता है जी। तो उनका कानून क्या है? पैसे दो काम कराओ, जो भाड़ में जाओ। तो पैसे दो काम कराओगे, जो खिलाफ बोले वो क्रिमिनल। आप बात समझ रहे? तो ये है, ये जो पुलिस रखी गई है, ये हमारे एमपी एमएलओं को पैसे इकट्ठे करके देने हैं, लूट के देश से सबसे लूट के देने हैं, इसलिए रखी गई है। पुलिस हमारे लिए नहीं रखी गई है, पुलिस हमको कैसे लूटे इसके ऊपर काम करती है। चोपड़ा जी, आपने तो गहन अध्ययन किया है और आपने अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना भी पड़ रहा है, तो क्या आज के जो भ्रष्टाचार का जो फैलाव हो चुका है उसको आप कुछ हद तक मिटाने में, दूर करने में कामयाब हुए हैं किसी स्तर पर? जी, जब मैं सरकार की नौकरी में भी था तो मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ चेस का, तो मैं टूर पे जाता था पूरे वर्ल्ड में, तो एयरपोर्ट, हर एक एयरपोर्ट पे MRP से ज़्यादा पैसे मांगे जाते थे जी। तो मैंने सारे एयरपोर्टों का हिसाब निकाला और सबको कहा भाई आप MRP के अलावा नहीं बेच सकते, पर MRP आप कितनी मर्जी लिखो, मैं इससे नहीं कंटेस्ट कर रहा अभी, ठीक है। अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ MRP लिखी होनी चाहिए। आप 100 रुपये का माल 200 रुपये में बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर लिखो कि 200 रुपये का है ये आइटम है, ठीक है। तो वो मैंने लिखवाया, जिसने नहीं लिखा उसके खिलाफ मैंने केस लगा दिया। ये जो MRP की पद्धति है आपकी वजह से शुरू हुई है? एयरपोर्ट पे स्पेशली एयरपोर्ट पे MRP की पद्धति थी नहीं। वो कहते थे हम तो 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। मैंने हमें कैसे लेना, तो कुछ भी दे, डाका डाल फ्री कर, हमें नहीं मतलब, हम MRP से एक नया पैसा ज़्यादा नहीं देंगे। अभी मैंने एक इशू और उठाया था, जब ये GST आया तो हमारे, मैं उसी डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, तो GST में हमें बताया गया भाई कि हमने एक सिंगल सिस्टम कर दिया है। मैं, आप सरेआम झूठ बोल रहे हो, मैं रिटायर हो चुका था, तो मैंने कहा ये आप तो सरेआम झूठ बोल रहे हो, एक आपका MRP है, दूसरा आपका ओरिजिनल वैल्यूएशन है, उसके बाद GST लगता है, तो दो पद्धति हो गई ना, एक कैसे पद्धति है? अब ये आदमी ने चिप्स खरीदे, चिप्स से तो टैक्स लगा होता पहले से ही, तो इसको 5 रुपये उसने फालतू के ले लिए। अब मैंने कहा भाई ये 5 रुपये इसके वापस कर, वो कह रहा है जी 8 महीने लगेंगे, ये 5 रुपये के लिए 8 महीने तक नाक रगड़े, फिर उसी दुकान से हम 5 रुपये दिलवाएंगे। आज तक आप GST डिपार्टमेंट से पूछना कि एक नया पैसा भी किसी को रिफंड किया आपने, तो रिफंड का मतलब ही नहीं, तो जो मर्जी लूट ले आपसे। दुकानदार और GST डिपार्टमेंट मिलके पब्लिक को लूट रहे हैं खुलेआम। चोपड़ा साहब, आप इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं जो देश हित में भी है, समाज हित में, आम आदमी के हित में है, यदि हमारे दर्शकों में से कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप अपने श्री मुख से बताएं। 9891414111 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और ईमेल मेरा है ntbhrashtachar@gmail.com। और रेजिडेंस कहाँ पड़ता है? रेजिडेंस मेरा बसंत कुंज में है, जंतर मंतर पे 4 बजे बुधवार को पूरे देश से मैं मिलता हूँ, कोई भी आके मिल सकता है, और कभी मेरे को फ़ोन करिए, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ, और कम से कम मैं उसको गाइड तो कर ही दूंगा कि मैं उसको क्या करना चाहिए इन हालात में। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे श्री DK चोपड़ा जी, जो एक प्रकार से मुहिम चलाए हुए हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की। एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने शीघ्र ही फिर पेश हूँगा, तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।